दोस्तों आप अपने मोबाइल में नीचे जहाँ से कट करते हो, बैक आते हो और मिनिमाइज टैब ओपन करते हो, उस जगह को नेविगेशन बार बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने अपने मोबाइल में नीचे नेविगेशन बार में नाम लिखा है। दोस्तों आप भी लिख सकते हो, इससे आपका फ़ोन अट्रैक्टिव दिखाई देने लगता है। जो भी व्यक्ति आपके फ़ोन को देखेगा आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा, भाई आपने अपने फ़ोन में ये नाम कैसे लिखा है। दोस्तों अगर आपको ये सब सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल महामे। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आ जाना है, और प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्मार्ट नेविगेशन बार। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। दोस्तों अब आपको यहां पर ऑन पर क्लिक कर देना होगा, यहां से ओके पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आपको अलाउ पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको ऊपर यहाँ ऑन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको आ जाना है नेव बार टेस्ट स्लाइड शो में, यहाँ से आपको ऑन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको आ जाना है टेस्ट नोट्स में, आप जो भी लिखना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, आपका कीपैड आ जाएगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम, यहाँ से आपको ऐड पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको क्लोज पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों अब आपको आ जाना होगा टेस्ट साइज में, यहाँ से आप अपने नाम को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए हमारा टेक्निकल महामे नाम बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, यहाँ से आप अपने टेस्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और आप यहाँ से टेस्ट कलर पर क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, आप जिस भी कलर को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बस आपको सिंपली टेस्ट कलर पर क्लिक करना होगा, यहां से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।